सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर हेडलाइन पर। नकल कराने के आरोप में 17 लोग गिरफ्तार। सिर्फ हमारी सरकार किसानों की हमदर्द मोदी। मां के बदहवास में शव के साथ दौड़ती ट्रेन से लगा दी छलांग। अब खबरें विस्तार से। नकल कराने के आरोप में 17 लोग गिरफ्तार। मुजफ्फर जिले के एक परीक्षा केंद्र के अधीक्षक तथा 14 निरीक्षकों सहित कुल 17 लोगों को 12वीं की कक्षा की भौतिक विज्ञान की परीक्षा में नकल कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि अन्य 2 लोग भी उसमें शामिल हैं। सिर्फ हमारी सरकार किसानों की हमदर्द मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किसान सम्मान निधि की शुरुआत करते हुए कहा कि किसानों की असली हमदर्द उनकी सरकार है और कांग्रेस और दूसरे दल किसानों के लिए जो वादे किए हैं सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। मोदी ने कहा कि हाल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वादे अब तक उन्हें पूरा किया नहीं गया है। मां के बदहवास में शव के साथ दौड़ती ट्रेन से लगा दी छलांग। इंदौर की यह घटना दर्शाई जाती है। दर्दनाक वाकई में शुक्रवार को यहां अपने 6 वर्षीय बेटे की मौत के कारण बदहवास महिला ने दौड़ती ट्रेन के सामने बच्चे के साथ कूद गई। कारण अभी तक पता नहीं चल गया है कि। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए